सो गाइज हेलो, वेलकम टू द याशिता ब्लॉग्स। तो हम लोग निकल गए हैं सारनी से धामनगांव के लिए सुबह सुबह, और फिर हम लोग रेडी होकर फिर हम लोग मंदिर के लिए निकले। अब हम मंदिर पहुँचे, वहाँ पर हमने थोड़ी सी घुमा, इधर उधर घुमा, और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे। वहाँ हमने बेटू ने घंटी बजाई, बेटू ने मंदिर वहाँ धामनगांव में बहुत इन्जॉय किया। फिर हमने किए देवी के दर्शन, जो है कि बहुत मान्यता है, कहते हैं कि यहाँ आकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सो मैंने वहाँ पर ओली भी भरी, जो कि माता को श्रृंगार का सामान और चावल और नारियल चढ़ाना होता है, जो कि मैंने चढ़ाए। और फिर हमने किए दर्शन। यहाँ पे तीन देवियाँ हैं, रेणुका माता मंदिर के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हैं। फिर हमने वहाँ पर दर्शन करने के बाद लिए और नारियल चढ़ाया था, उस नारियल को तोड़ा बेटू के पापा ने मिलके नारियल को तोड़े। फिर वापस से उन लोग मंदिर में आए और उन्होंने मंदिर में प्रसाद को चढ़ाया, और फिर बेटू ने सभी जगह शीश नवाया और प्रणाम कहा। और कहते हैं कि यह मंदिर बहुत मान्यता है यहाँ पर मंदिर की। सो उसके बाद हम लोग ने आगे और भी मंदिर है जहाँ हमने दर्शन किए, यह है शनिदेव का मंदिर। धूप होने के कारण बेटू के पैर बहुत जल रहे थे। सो आगे ये थी देवी अन्नपूर्णा माता का मंदिर, जहाँ पे एक डॉगी बैठा हुआ होता है हमेशा। और उसके बाद हमने किए शंकर जी के दर्शन, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो बेटू को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहे थे। सो उसके बाद हम और आगे बढ़े और वहाँ हमने किए, बेटू वापस से बार बार मंदिर में जा रही थी क्योंकि उसको मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, है ना, तो वहाँ पर बार बार दर्शन करने जा रही थी। सो फिर हमने किए दूसरी देवी माताओं के दर्शन, वहाँ पे राम मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और राम लक्ष्मण जी का मंदिर, गणेश जी के मंदिर, बहुत सारे मंदिर थे। सभी मंदिरों में हमने दर्शन किए। उसके बाद बेटू को तो टीका लगाने का चाहिए था, तो वो जय देवी जी के दर्शन करें, फिर गणेश जी के दर्शन करें। ये छोटा सा मंदिर है गणेश जी का। और उसके बाद हम लोग ने वहाँ पर झूले लगे हुए थे, सो हमने झूले पे इंजॉय किया और थोड़ी सी रील्स बनाई, वीडियो बनाई। और उसके बाद हम लोग वापस वहाँ से अपने नाना जी के घर के लिए निकल पड़े। यह धामनगांव में स्थित है रेणुका माता का मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और यह मान्यता है कि यहाँ आने पर सारी मान्यता पूरी हो जाती है। सो हम लोग भी यहाँ पर गए, दर्शन करें, बहुत अच्छा लगा। और फिर बारिश होने लगी थी तो हम लोग ने रास्ते में थोड़ा थोड़ा भीग गए थे, सो हमने बारिश को एंजॉय करते हुए हम लोग घर आ गए। सो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।